स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना यानी कि रीप और USRLM यानी कि उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डिस्ट्रिक्ट उद्यम सिंह नगर के तमाम ब्लॉक्स में ही भर्ती निकली हुई है। कैसे अप्लाई करना है, कहां कहां निकली है, क्या पोस्ट है, क्या सैलरी है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, सब कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको PDF हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रीप के तहत आप देख सकते हैं 19 बिजनेस प्रमोटर, उसके अलावा 34 ग्रुप मोबिलाइजर और 25 लेखाकार और डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहां पर जो है ये भर्ती होने वाली है। तो आप मैं आपको एक मैं यहां पर छोटा सा हिंट दे दूं, विश्वास स्वामित्व सहकारिता समिति सरकांडा जो विकासखंड बाजपुर में आप देख सकते हैं जो बिजनेस प्रमोटर है उसके लिए एक पोस्ट है, ग्रुप मोबिलाइजर के लिए दो पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है। कांटेक्ट आप जो है इनसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी अलग अलग जो विकास खंड हैं उनमें आप देख सकते हैं अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो दी हैं और किस पर्सन से कांटेक्ट करना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप से कुल 25 विकास खंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर टोटल जो है वैकेंसीज आए हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो बिजनेस जो प्रमोटर है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए। अगर आप कृषि अथवा अर्थशास्त्र या फिर आपने BSW करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं ये डिटेल्स दी हुई हैं। अगर ग्रुप मोबिलाइजर की बात करें तो इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए। अगर आपने अर्थशास्त्र या गणित में करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और समूह में कार्य करने का आपको न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ पर देख रखे हैं। अगर बात करेंगे लेखाकार या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो आपके पास जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप वाणिज्य और गणित के में हैं तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। बाकी आपको MS ऑफिस का जो है अच्छा अनुभव होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ पर जो है दिया हुआ है। उत्तराखंड में आपका जो है निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात मानदेय की करेंगे तो बिजनेस जो प्रमोटर है उनको 15,000, ग्रुप मोबिलाइजर को 10,000 और लेखाकार को यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। जो लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की, ये ऑफलाइन फॉर्म है 25/9/2030 है, 5 बजे तक आवेदन पत्र के साथ अपना बायोडाटा, CV, समस्त अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, समस्त अनुभव प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नियत जगह पर आपको नियत जगह पर चस्पा कर एवं पूर्ण रूप से भरे आवेदित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में या पंजीकृत डाक से आपको भेजना, ठीक है। समस्त पद अस्थाई हैं, परीक्षा कमेटी के पास इसको जो है निरस्त करने का या पदों को घटाने बढ़ाने का जो है पूरा अधिकार है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपके अगर गाँव के हैं तो। बाकी आप देख सकते हैं आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से लेकर 42 साल के बीच में होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए जो है आवेदन कर सकता है। आप देख सकते हैं समस्त संकुल स्तरीय संगठन जनपद उधम सिंह नगर। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इंटरमीडिएट हैं, स्नातक हैं, कंप्यूटर का आपको अच्छा अनुभव है तो ये एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और पूरी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।